हेलो स्टूडेंट्स इन क्लास ट्वेल्व चैप्टर नंबर सिक्स मेटल जिनमें हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ दी ऑर फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ व्हाट इज़ कंसंट्रेशन तो द रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम दी ऑर एंड कलेक्ट मैक्सिमम और पार्टिकल्स दिस फिनोमिन इज नॉन एज कंसनट्रेशन ऑफ दी और कंसनट्रेशन ऑफ और में हम क्या करते हैं जो भी अपने पास और होता है उनमें से हम सैंड पार्टिकल क्ले पार्टिकल्स यानी वॉट जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी डिस्कार्ड कर लेंगे और जितना ज़्यादा हो सके उतना हम और को कलेक्ट करेंगे तो वो प्रोसेस को बोला था कंसनट्रेशन ऑफ दी और कंसनट्रेशन ऑफ द और में टोटल फोर प्रोसेस थे जिनमें से दो प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे पहला पढ़ा था हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड सेकेंड पढ़ा था मैग्नेटिक सेपरेशन नाउ इन टूडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट थर्ड प्रोसेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर विच इज फोर्थ फ्लोटेशन मैथड यू हैव ऑलरेडी स्टडी अर्लियर इन स्टैंडर्ड टेन क्लियर फर्स्ट ऑफ वॉट इज फोर्थ फ्लोटेशन मैथड तो इन दिस मैथड वी यूज सम फोर्थ प्रोड्यूसिंग मटेरियल क्लियर ये मेथड में हम फोर्थ यानी जाग को हम प्रोड्यूस करेंगे और फ्लोटेशन होगा फ्लूट करेंगे इसको रोटेट करना है ऐसे तो ये प्रोसेस का नाम है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो पहली चीज व्हेन वी यूज फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, व्हेन और कंटेनिंग सल्फाइड या सल्फाइड कंटेनिंग और वट एवर आप जो भी बोलो वैन सल्फाइड कंटेनिंग और देन वी यूज फोर्थ फ्लोटेशन मेथड क्लियर जब अपनी और सल्फाइड कंटेनिंग होगी तब हम क्या यूज करेंगे फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में होता क्या ये एक वेसल है जिनमें हमने पहले डाल दिया यहाँ पे वाटर ये पूरा वाटर ठीक है फिर इनमें हम डालेंगे कुछ ऑयली मटेरियल्स लाइक पाइन ऑयल फैटी एसिड्स देन थेट्स ये सारे ऑयली मटेरियल्स है जो मटेरियल्स सल्फाइड के पार्टिकल्स को वेट होने से बचाते हैं यानी जो भी वाटर होगा उससे सल्फाइड पार्टिकल को वेट यानी बेज वाले हो जाते तो उसको नमी युक्त करने से वो रोकते हैं ये सारे ऑयल्स क्रैसोल एंड एनिलिन क्या है तो क्रेसोल एंड एनिलिन फोर्थ स्टेबिलाईजर से जो भी फोर्थ प्रोड्यूस होगा उनको वो स्टेबिलाइज करेगा क्लियर तो देखो ये दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए फिर ये यहाँ ऊपर आपको एक पैडल दिया है रोटेटिंग पैडल जो इसे रोटेट होगा जिसके कारण नीचे ये घूमेगा पहिया घूमेगा तो यहाँ से ऊपर से एयर अंदर आएगी और एयर अंदर आने के कारण यहाँ पे फोर्थ प्रोड्यूस होगा अभी आपको क्या करना है पल्प ऑफ और।, और को आपको ग्राइंड कर देना है क्लियर और पाउडर फॉर्म में उसको यहां से कॉन्स्टेंटली एडिट करना है एड करते जाना है तो यहां पे सल्फाइड और में जो गैंग पार्टिकल्स हो वो पानी से भीज जाएगी और नीचे पड़े रहेंगे। फिर इसको यहाँ पे एक की भी होती है इसको फिर यहां से ना बाहर निकाल लेते हैं ऐसे जो भी इसमें आ जाता है सैंड क्ले क्लियर सारे इम्प्योरिटीज इन शॉर्ट आ जाती है जो वेट इम्प्योरिटीज़ है वो जो पानी से बीज जाती है वो एम्प्योरिटीज सारी बाहर आ जाएगी और जो सल्फाइड पार्टिकल्स है वो यहाँ पे हो गए ऐसे ये सल्फाइड पार्टिकल्स सल्फाइड पार्टिकल्स के ऊपर ये ऑयल का लेयर जम जाएगा जिसके कारण वो बीज जाएंगे नहीं बराबर फिर क्या होगा यहाँ पे आपने क्रैसो लेन और फोर्थ प्रोड्यूसिंग मटेरियल भी डाल दिए तो धीरे धीरे फोर्थ प्रोड्यूस होगा ऊपर आएगा तो ये सारा फोर्थ बता दिया मैंने आपको और इसमें आ जाएगा पूरा सल्फाइड पार्टिकल्स और जो इम्प्यूरिटीज़ थी वो सारी नीचे निकल गई तो बस ये प्रोसेस में हमें यही करना था फोर्थ को कलेक्ट कर लेंगे स्कीम के द्वारा स्कीम ऑफ करने के बाद उसको हीट करेंगे और हीट करने से वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज इवापरेट होगी और फाइनली वी कलेक्ट और पार्टिकल्स नाउ व्हेन वी हैव टू सल्फाइड कंटेनिंग और ये एम सी क्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास जेड एन ए से और पी बी ए से तो ये दोनों और है सल्फाइड कंटेनिंग इसमें भी सल्फर है इसमें भी सल्फर है देन वी यूज ऑल्सो फोर्थ फ्लोटेशन मैथड तब हम फोर्थ फ्लोटेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं तो बस ये सल्फाइड कंटेनिंग और का पल्प बना के इनमें डाल देना है फिर आपको क्या करना है इनमें एक और मटेरियल डिप्रेसेंट डालना है जो डिप्रेसेंट इनको सेपरेट करेंगे डिप्रेसेंट हम कौन सा डालेंगे सोडियम साइनाइड सोडियम साइडाइड इनको सेपरेट करेगा और जो जिंक है जिंक इनके साथ कंपाउंड बना के नीचे आ जाएगा और जो सल्फाइड पार्टिकल्स है लेड सल्फाइड वो लाइट वेट है तो वो ऊपर चला जाएगा तो ऐसे हम सल्फर के और को यहां पे कंसंट्रेट करते हैं तो ये थी फोर्थ फ्लोटेशन मेथड चलो इनके बाद लास्ट एक मेथड है लीचिंग देखो यहां पे लिख देते लीचिंग मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है फोर्थ मेथड लीचिंग देखो व्हेन वी यूज लीचिंग मेथड, तो व्हेन और इज डिजॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट, देन वी यूज लीचिंग मेथड। अगर आपके पास कोई भी और है वो कोई प्रॉपर या सुटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चाहिए तब जाके हम लीचिंग प्रोसेस यूज कर सकते और दो एग्जाम्पल आज हम यहां पर डिस्कशन करने वाले तो पहले डेफिनेशन लिख देते व्हेन और इज डिजॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट देन वी यूज लीचिंग तब हम क्या यूज करेंगे लीचिंग प्रोसेस यूज करेंगे तो देखो दो एग्जाम्पल हम यहां पर डिस्कशन करने वाले फर्स्ट लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम दी बॉक्साइट एंड सेकेंड लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम दी साइनाइड कंपाउंड्स। तो देखो पहला हम यहां पर देख लेते लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम दी बॉक्साइट ये फर्स्ट है तो देखो जो बॉक्साइट और होती है उनमें मेनली देखा जाए तो एक तो सिलिका इंप्योरिटीज रहती है सम आयरन ऑक्साइड रहते हैं और टाइटेनियम डाइक्साइड भी इंप्योरिटीज में होते हैं तो यहां पर लिख देते हैं बॉक्साइट कंटेन some impurities like like silica yani sio2 second iron oxide and titanium dioxide clear bauxite containing some impurities like silica iron oxide and titanium dioxide सो फर्स्ट ऑफ बॉक्साइड ट्रीट विथ एक्वाय सॉल्यूशन ऑफ एनएच तो यहां पर लिखते हैं बॉक्साइड हीटेड विथ एक्वाय सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड

ट क्लियर चलिए रिएक्शन देख लेते हैं साथ में कि बॉक्साइट इम्प्योर फॉर्म है तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लिखते हैं बॉक्साइट का जब इनको ट्रीट करते हैं एन के साथ रिएक्शन कंडीशन दे दिए 35 फाइव टू थर्टी बार प्रेशर 473 सेवेंटी थ्री टू फाइव ट्वेंटी थ्री कैलविन तब यहाँ पे रिएक्शन होके मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट यानी एनए टू ए एल ओ फोर सॉरी यहां पे एन ए एल ओ फोर सोडियम एल्यूमिनेट ये स्टेप नंबर वन हुआ अभी सोडियम एल्यूमिनेट को हमें आगे न्यूट्रलाइज करना है बाय एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो सेकंड स्टेप नाउ दिस देखो ये फॉर्म होगा ना उनमें एक चीज और कि जो सिलिका होगा वो सिलिकेट बना देंगे और जो ये है इनसॉल्यूबल है मेटल ऑक्साइड है तो यहाँ पे क्या रहेगा वो इनसॉल्यूबल रहेगे जब इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे फिर इसको फिल्टर करेंगे तो इनसॉल्यूबल सारी इंप्यूरिटीज हम निकाल देंगे फिल्टर के ऊपर रेसिड्यू में निकल जाएगी तो नाउ दीज सोडियम एल्यूमिनेट न्यूट्रलाइज बाय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो देखो इनका एक रिएक्शन कि ये आपने सोडियम एल्यूमिनेट यहां पे ले लिया इनमें आपको सीओ टू गैस पास करनी है तो यहां से आपको मिल जाएगा एल टू ओ थ्री इंटू एक्स एच टू देखो आपको लगे कि ये दोनों फार्मूला सेम है बट इनमें ये सारे इंप्योरिटीज थी ये प्रोसेस कर दी तो ये सारे इंप्योरिटीज यहाँ से रिमूव हो गए तो ये मिला आपको एल्यूमिना का इम्पो एम्प्योर फॉर्म और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा सोडियम और यहाँ से हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट यहाँ पे मिलेगा ना वो लास्ट स्टेप तो जो आपको ए एल टू ओ थ्री इंटू एक्स एच टू मिला है इसको आपको हाई टेम्परेचर पे हीट करना है आ, कुछ इतना वन फोर सेवन जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, और जो वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज़ है वेपर्स वगैरह वो सारे इवापोरेट होगी और फाइनली वी गेट प्योर एल्यूमिना एल्यूमिना यानी ए एल टू ओ थ्री तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर चलो फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पे कंप्लीट हुआ सेकेंड एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू तो मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऐसा भी क्वेश्चन पूछते राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर तो हमें अभी गोल्ड एंड सिल्वर का लीचिंग करना है गोल्ड एंड सिल्वर तो गोल्ड का लीचिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ के और इनका होता है सोडियम साइनाइड के प्रेजेंस में दोनों में आपको एक कॉमन आयन मिल जाएगा साइनाइड साइनाइड ये साइनाइड प्रोसेस है ये दोनों का लीचिंग हम साइनाइड प्रोसेस से करते हैं तो ये दोनों मेटल को मैं यहाँ पे कॉमन एम से इंडिकेट कर रहा हूँ कॉमन रिएक्शन ही हम यहाँ पे बनाते हैं तो देखो ये जो मेटल एम है चाहे वो ए यू हो या ए जी हो हमें कुछ लेना देना नहीं हम इसको एम से लिख देते हैं क्लियर ये साइनाइड एक्वायसाइन होगा आयन के फॉर्म में इनमें वाटर ऐड करेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन में देखो ये मेटल इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी कितना है जीरो है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का ऑक्सीडेशन होगा पहले स्टेप में समझ लो मेटल का ऑक्सीडेशन होगा एम प्लस में तो मेटल का ऑक्सीडेशन होगा एम प्लस में तो आपको कॉम्प्लेक्स आयन एक मिल जाएगा एम एम सी एन माइनस और बाई प्रोडक्ट में आपका रहेगा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन यानी ओ OH. एच माइनस ये हुई रिएक्शन एक्वायस एक्वाइस बैलेंसिंग कर लोगे यहां पे इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो प्लस वन तो जीरो में से प्लस वन स्टेप नंबर वन में यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन चलो सेकेंड स्टेप ये जो साइनाइड मेटल का कॉम्प्लेक्स है इनको अभी हमें रिड्यूस करवाना है एम सी एन टाइज माइनस यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट जिंक यूज करेंगे हम जिंक इट गिव्स जिंक यहां पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर जिंक ये मेटल को रिड्यूस करेगा मेटल रिड्यूस हो गई तो मेटल रिड्यूस हो गई मेटल आपको मिल गई मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट था प्लस वन यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया जीरो तो मेटल का यहां पे क्या हुआ रिडक्शन ये रिडक्शन करने में हेल्पफुल कौन थे जिंक तो जिंक को हमने क्या कह दिया रिड्यूसिंग एजेंट तो जिंक अपना खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन तो जेड एन कन्वर्ट इनटू Zn जेड एन सी एन फोर माइनस टू ठीक है ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन चलिए रिएक्शन को बैलेंस करते क्योंकि बैलेंस नहीं करोगे तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे तो देखो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन वन तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई साइनाइड को यहाँ पे टू कर लो तो अगर आप पहली नजर से देखो तो लगेगा बैलेंस हो गया है बट ये अभी चार्ज में अनबैलेंस देखो यहाँ पे माइनस टू चार्ज हो ये माइनस वन माइनस थ्री चार्ज जबकि यहाँ पे है माइनस टू चार्ज चार्ज बैलेंस करने के लिए हम कुछ यहाँ पे करेंगे तो ये मैंने फोर साइनाइड ले लिया तो यहाँ पे टू मोल लगा दो तो देखो चार्ज बैलेंस हो गया फोर माइनस और माइनस फोर ठीक है बट यहाँ पे साइनाइड बढ़ गए सॉरी साइनाइड बैलेंस हो गए मेटल बढ़ गए तो मेटल को यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करो ओके अभी देख लो वाटर ओके देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को यहाँ पे आपको ऑफ करना पड़ेगा तो टू से टू कट और बैलेंस अगर आपको स्टाइक्योमेट्री कंप्लीट रखनी है कंप्लीट नंबर में लिखना है तो ये वन बाई टू है तो वन बाई टू को निकालने के लिए पूरे इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया टू टू ज़ा फोर ये फोर टू ज़ा एट और यहाँ पे टू ये वन ये हो गया फोर और यहाँ पे हो गया फोर अभी चेक कर लो पूरा यहाँ पे बैलेंस हुआ चलो सेकेंड रिएक्शन को बैलेंसिंग करते हैं साइनाइड फोर साइनाइड टू मल्टीप्लाई बाई टू मेटल टू माइनस टू माइनस टू चार्ज भी बैलेंस एलिमेंट भी बैलेंस और यहाँ पे मेथड भी फिनिश्ड तो ये दोनों इक्वेशन अच्छी तरह से करना गोल्ड एंड सिल्वर का लीचिंग हम साइनाइड प्रोसेस से करते हैं लिख लो इतना